वीश मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम 2020 एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें काफी उतार चढ़ाव में से होकर हम सब गुजरे कई ऐसे सुख दुख के पल हम सबके जीवन में आए जिसमें कई बार हमें ऐसा लगा कि हम अकेले हैं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन प्रियो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे उतार चढ़ावों के मध्य में प्रभु का साथ हमारे साथ रहा और प्रभु हमें यहां तक पहुंचा पाया 2020 इस क्रिसमस के पर्व पर कई प्रकार के सवाल कई प्रकार के प्रश्न हम सबके उठ रहे होंगे क्योंकि यह वर्ष हम सभी की आशाओं के विपरीत कई अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक वर्ष था हमारी कई तैयारियां हमारे कई पूर्व नियोजित कार्यक्रम जिस रीति से हम चाह रहे थे वैसे नहीं हो पाए और उस कारण से इस दिसंबर के महीने में इस क्रिसमस के पर्व के अवसर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पीछे मुड़कर देखें और हम पीछे मुड़कर स्मरण करें कि किस प्रकार से जब हमारी योजनाएं विफल हो गई हमारे स्वप्न जो हमने अपने आधार पर हमने बनाए थे उन स्वप्नों के आधार पर चीजें आगे जब नहीं बढ़ पा रही थी ऐसे समयों में परमेश्वर ने अपने तरीके से मुझे और आपको चलाया मुझे और आपको यहां तक पहुंचाया आज के इस क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को रह फेलोशिप फेलोशिव की ओर से बधाइयां अपेक्षित करना चाहता हूं आपके जीवन में प्रभु की आशा प्रभु की शांति प्रभु के प्रेम की घोषणा हम करना चाहते हैं क्रिसमस पर्व जैसे ये जिक्र आता है आम लोगों के जहन में सांता क्लोज की तस्वीर उभर कर आती है क्रिसमस ट्री की तस्वीर उभर कर आती है या स्टार की तस्वीर उभर कर आती है इस प्रकार की कई तस्वीरें दुकानों में शॉपिंग मॉल्स के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर जब आप जाओ तो आपको क्रिसमस के इस मौसम में आपको दिखाई देने लगती है लेकिन प्रियो क्रिसमस सांता क्लोज नहीं है क्रिसमस ट्री भी नहीं है क्रिसमस स्टार भी नहीं है इन सबसे बढ़कर यह वह कहानी है जो हमें बताता है किस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ईशु मसीह के रूप में जगत के उद्धारक के रूप में जगत के मुक्तिदाता के रूप में दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए तो वास्तविक मायने में क्रिसमस प्रभु ईशु मसीह की जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं को और प्रभु मसीह के जन्म के उद्देश्य को अपने जिंदगी में एक और बार समझने का अवसर प्रदान करता है मैं विश्वास करता हूं आज की शाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके जीवनों में प्रभु अपनी शांति और प्रभु अपने आनंद को आज भरने पाए अलग अलग रीति से क्रिसमस की कहानी को हम समझ सकते हैं आज मैं आपके सामने दो ऐसे चरित्रों का परिचय आज मैं करवाना चाहता हूं जो ऐसे लोग थे जो उन समयों की गति के विपरीत परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति की बाट जोह रहे थे स्वाभाविक रीति से हम सोचेंगे शायद ये मरियम की बात है या ये यूसुफ की बात है या इलिशिमा और जकरिया की बात है इलिशिमा और जकरिया एक ऐसा दंपति था जिनके पुत्र नहीं थे संतान नहीं थे वृद्धावस्था में ईश्वरीय मुलाकात के द्वारा प्रभु उन्हें संतान प्रदान करता है मरियम और यूसुफ एक ऐसे दंपति थे जिनकी मंगनी हुई थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था और ऐसे समयों में परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास में जाकर मरियम से बातचीत करता है और यूसुफ को स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर बातचीत करता है उन घटनाक्रमों के बारे में आज रात मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आज मैं आपका ध्यान ऐसे दो व्यक्ति जीवनों की ओर मैं ले जाना चाहता हूं जो उन दिनों में मसीहा की बाट जोह रहे थे उसके दूसरे अध्याय के अंदर आ, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में हम परिचय को पाते हैं लुकारचित समाचार दूसरा अध्याय और उसके 25 से 35 तक के पदभागों में हम शमोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं रचित समाचार दूसरे अध्याय उसके छत्तीस से अड़तीस के अंदर एक वृद्ध माता हन्ना के बारे में हम देखते हैं। आज इन दोनों व्यक्तियों के जीवन की घटनाक्रमों के द्वारा हम क्रिसमस के महत्व को और इस समयों के अंदर परमेश्वर पर निर्भरता की प्रासंगिकता को हम समझने का प्रयास करेंगे शमोन कई बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं लगभग डेढ़ सौ दो सौ साल उस व्यक्ति की उम्र थी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं पर एक बात स्पष्ट है कि वह एक वृद्ध व्यक्ति था वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में यदि आप इन पदों को पढ़ोगे तो आप वहां पर पाओगे उसके बारे में लिखा है वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था पवित्र आत्मा उस पर था आज मुझे सुनने वाले प्रियो एक ऐसे समय में जहां पर ईश्वर मुलाकात दुर्लभ थी ऐसे समयों में हम एक व्यक्ति को देखते हैं शिमोन के रूप में जिसके बारे में लूका लिखता है वह धर्मी था वह भक्त था इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था अक्सर हम प्रेरित के कार्य दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं पिंतकूस के दिन पवित्र आत्मा उतराया इस प्रकार से हम देखते हैं लेकिन आप देखिए यहां पर एक व्यक्ति मसीह के जन्म से पहले लगभग साठ सत्तर साल या सौ साल पहले हम देखते इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया हुआ हम इस प्रकार से पाते हैं और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया वह इज़राइल की शांति की बाट जो होने लगा और आगे लिखा है और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा अब देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पवित्र आत्मा था एक ऐसा व्यक्ति जो इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में एक प्रकाशन था जब तक परमेश्वर के मसीहा को वह देख न लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी हालेलुया। आप जरा सोचिए इस व्यक्ति के बारे में वृद्धावस्था में वो पहुंच चुका है लेकिन उसके अंदर एक प्रकाशन पड़ा हुआ है जो उसके बुद्धि की उपज नहीं लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित एक प्रकाशन को पाया हुआ शिमोन कह रहा है जब तक मैं मसीहा को न देखूंगा मेरी मृत्यु नहीं होगी आज मुझे सुनने वाले प्रियो इस 2020 के उतार चढ़ाव के माहौल के अंदर प्रभु कात्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है प्रभु ने जो प्रकाशन आपको दिए हैं प्रभु ने जो वायदे आपको दिए हैं यह समय है उन वायदों को दोहराना आरंभ कीजिए उन प्रकाशनों पर मनन करना चिंतन करना आरंभ कीजिए यदि पवित्र आत्मा की ओर से एक प्रकाशन आपको मिला है आपके मुंह का अंगीकार होना चाहिए उन बातों को मैं पूरा होते हुए मैं देखूंगा मैं उन बातों को पूरा होते हुए देखूंगा, चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना जाए दो किस कुछ दिनों में हमारे समुख आने वाला है हमें नहीं मालूम स्थितियां बेहतर होगी या और विकट होने जा रही है लेकिन कलिसिया से मैं कहना चाहूंगा प्रभु के लोगों से मैं कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा मुझे और आपको आगाह कर रहा है इस सीजन में आत्मा पर आत्मा में हमें बने रहना है आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन हमें मिला है उन प्रकाशनों पर निर्भर होकर हमें एक जीवन शैली को बिताना है और हमें इन मौसम में हमें आगे बढ़ना है शिमोन के जीवन के अंदर वृद्धावस्था में वो पहुंचा लेकिन एक ही बात वो कह रहा था मेरे पास में एक प्रकाशन है वो पवित्र आत्मा जो मुझ में बसा हुआ है वो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं तब तक मरूंगा नहीं जब तक मैं इज़राइल के मसीहा को मैं देख न लूंगा और हम देखते हैं 27वें पद के अंदर लिखा है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया आप देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो उस जमाने में आत्मा के चलाए चलता था आत्मा के सिखाने से वो कहां पहुंचा उसी समय वो परमेश्वर के भवन में जा पहुंचा जब बालक यीशु को लेकर उसके माता पिता उस भवन के अंदर आ पहुंचे थे प्रियो मैं आपको कहना चाहूंगा यदि पवित्र आत्मा के आधारित एक जीवन शैली में और आप व्यतीत करते हैं हम चूकेंगे नहीं हम चूकेंगे नहीं हमारे जिंदगी में हमें लगेगा विलंब हो रहा है शिमोन को भी लगा होगा अब काफी उम्र मेरी हो गई लेकिन प्रियो वह विलंब नहीं था परमेश्वर उसे उचित समय के लिए तैयार कर रहा था और उचित समय में जब वह आत्मा के सिखाने के आधार पर परमेश्वर के भवन के अंदर वह पहुंचता है वहां पर यीशु को वह अपने हाथों में उठाता है वह लिखा है उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा हे hey स्वामी अब तू तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो या देखिए शिमोन वृद्धावस्था में जब उस बालक यीशु को अपनी गोद में लेता है उसके अंदर का जो प्रकाशन पाया हुआ पवित्र आत्मा उद्धवलित हो जाता है और वह घोषणा करता है अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी जिंदगी में और कोई लक्ष्य नहीं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में और कोई महत्वाकांक्षा नहीं एक ही महत्वाकांक्षा इज़राइल की शांति की बाट में जो रहा हूं उस मसीहा को मैं देखूंगा यह मेरा यकीन है और जब मैंने मसीहा को देख लिया कहता है प्रभु तू मुझे शांति से विदा कर प्रियो इस पीढ़ी में प्रभु मुझसे और आपसे भी कुछ ऐसा ही चाहता है हमारी जिंदगी में हमारा लक्ष्य स्वर्ग बातों पर प्रभु की ओर लगने पाए अस्थिरताएं भरे हुए माहौल के अंदर उतार चढ़ाव के माहौल के अंदर यदि आप प्रभु के बाट जोहेंगे आपकी जिंदगी में आपको लज्जित होने का अवसर प्रभु प्रदान नहीं करेगा अगला व्यक्तित्व जो हम देखते हैं 36 से लेकर 38 तक के पदभागों में वहां पर लिखा है अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनवेल की बेटी एक भविष्य थी वह बहुत बुढ़ी थी और विवाह होने के बाद सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी वह चौरासी वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरुशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी यहां पर देखिए हन्ना के बारे में लिखा है वो एक भविष्य शिवा से प्रॉफिट आप सोचिए लगभग चौरासी साल पति की मृत्यु के बाद में उसने जीवन को व्यतीत किया अगर मान लीजिए उसका विवाह हुआ उस समय उसकी उम्र पंद्रह साल या बीस साल जो भी उस जमाने के हिसाब से भी हो तो भी उस आंकड़े के आधार पर भी देखा जाए तो सो से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए लेकिन आप देखिए यह जो स्त्री मंदिर को नहीं छोड़ रही वहां लिखा है कि उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर उनके प्रियजन इस संसार को छोड़ के चले गए ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास में आर्थिक रीति से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही लेकिन आप देखिए यहां पर एक बहन हमारी भाषा में कहा जाए तो जिसके पास में कहने के लिए केवल शिकवा शिकायत होनी चाहिए जिसके पास में कहने के लिए केवल अकेलेपन की और तन्हाई की गवाहियां होनी चाहिए लेकिन आप देखिए यह जो स्त्री है यह जो बहन है अपने जीवन के खालीपन को देखकर शोक नहीं मना रही लेकिन उस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर के भवन में आकर उपासना कर रही है उपवास कर रही है रात दिन बाट जोह रही है मैंने कहा वो एक भविष्य थी और एक और बात जो वहां पर लिखी है उसके बारे में लिखा है कि वो हन्ना नामक फनवेल की बेटी थी एक भविष्य के गोत्र में से थी अशेर का गोत्र याकूब के बच्चों में से आठवां बच्चा था अशेर और अशेर उस शब्द का अर्थ है आशीषित प्रसन्नचित और इसराइली गोत्रों में से आशेर का गोत्र एक ऐसा गोत्र था जो आशीषित गोत्र था जिनके जीवन में एक धन्यता थी आप देखे उस आशेर का गोत्र जिसके बारे में कहा जाता है जब अशूर के लोग आए और उत्तरी राज्य के ऊपर उन्होंने हमला किया उसके बाद से उस गोत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है इट्स लॉस्ट ट्राइब लेकिन यहां पर देखिए उस लॉस्ट ट्राइब के अंदर से एक स्त्री जो विधवा थी मानसिक रीति से सब कुछ उसके विपरीत था लेकिन उन बातों पर आश्रित होने न होने कर वह प्रभु के भवन में बनी हुई है पवित्र आत्मा इंद्रों में मुझे और आपको आमंत्रित करना चाहता है हमारे जीवन के पराजयों के मध्य में हमारे जीवन के अकेलेपनों के मध्य में प्रभु का आत्मा मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है प्रभु यदि हमें अगला एक वर्ष प्रदान करता है, 2021 में अधिक समय, अधिक समय प्रार्थना अधिक समय प्रभु की बात जो होने के लिए जिस प्रकार से यह स्त्री नबोति आत्मा में ऑपरेट करती थी प्रभु का आत्मा कह रहा है इस सीजन में हमें भी एक प्रोफेटिक प्रोफेटिक के के अंदर एक के अंदर एक प्रवेश करना है पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर भविष्य की भविष्य की सेवकाई के अंदर पवित्र आत्मा इंद्रों में मुझे और आपको आमंत्रित करता है कौन है भविष्य सामने की विपरीत परिस्थितियों को देखकर वह थक नहीं रहा वो निराश नहीं हो रहा लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर के कार्य के परमेश्वर के प्रकट होने की बात जोहने वाला है भविष्यता यदि ऐसा है तो पवित्र आत्मा आज की मुझसे मुझश आपसे कह रहा है इस क्रिसमस के पर्व के उपलक्ष्य में आपको तारे के चक्कर में नहीं जाना आपको ट्री, क्रिसमस ट्री के चक्कर में नहीं जाना आपको सांता क्लोज के चक्कर में नहीं जाना लेकिन प्रियो इस मौसम में यदि मुझे और आपको बने रहना है हमें आत्मा की प्रेरणा में हमें चलना है प्रकाशनों पर आधारित एक जीवन शैली हमारी होना है और अन्य सारी बातों से बढ़कर उपवास प्रार्थना और वचन के जीवन शैली मेरे और आपके पास में होनी चाहिए यहां पर देखिए यह स्त्री रात दिन उपासना क्या करती थी उसके बारे में लिखा है वो मंदिर को अर्थात परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी नहीं छोड़ती थी हालिया प्रभु आपसे चाह रहा है कुछ लोगों को देख के पवित्र आत्मा आज रात को कह रहा है क्या एक ऐसी जीवन शैली के लिए आप तैयार है प्रभु आपके भवन में मैं बना रहूंगा आपके हुजूरी में मैं बना रहूंगा अधिक समय प्रार्थना अधिक समय वचन अधिक समय उपवास ताकि मैं आपके कार्यों को इन दिनों में मैं देख सकूं लिखा अड़तीस में और वह उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते जो थे उस बालक के विषय में बात करने लगी हालेलुया आप देखिए उस बालक को देखने हम अक्सर कहते हैं गढ़ आए विद्वान लोग आए सही है वो सब गढ़ आए उन्होंने दंडवत किया बालक को देखा स्वर्गूदों की आवाज को सुना और वे चले गए ज्ञानी लोग आए विद्वान लोग आए सोना लो चढ़ाया लेकिन देखिए यहां पर दो व्यक्ति जीवन दोनों के अंदर पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी इन्होंने तारा नहीं देखा इनके पास में सोना मूर चढ़ाने के लिए नहीं था लेकिन इनके अंदर एक चाहत थी हमारी उम्र कितनी भी क्यों न हो जाए हमारी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए मेरे प्रभु ने जो कहा है उन बातों को पूरा होते हुए मैं देखूंगा मैं देखूंगी मुझे सुनने वाले प्रियो इस क्रिसमस पर पवित्र आत्मा मुझसे और आपको यह संदेश देना चाहता है आत्मा की प्रेरणा से आत्मा के सिखाए आत्मा की अगुवाई में जीवन की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के मुख को देखकर आप कदमों को आगे बढ़ाएंगे आपके जीवन के अंदर उचित समय पर ईश्वर मुलाकातों को आप अनुभव करने पाएंगे ऐसी मुलाकातें जो आपके अंदर जो गिफ्टिंग पड़ा हुआ है जो वरदान पड़ा हुआ है उन वरदानों को प्रज्वलित करने में आपकी मदद करेंगे शिमोन जब बालक को उठाता है वह उसके ऊपर आशीष के साथ में भविष्य द्वानी की प्रार्थना करता है हन्ना जब उस बालक को देखती है उस बालक के बारे में कि वह उद्धार करता है इसे रिडीमर वह चर्चा करने लगती है यदि ऐसा है तो इस सीजन में पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगले पड़ाव में आकर्षित करना चाहता है आज मैं अपनी बात को यहां पर विराम देना चाहता हूं इस क्रिसमस में पवित्र आत्मा पर आधारित पवित्र आत्मा की प्रेरणा में पवित्र आत्मा के सिखाने से प्रभु के प्रकाशनों को पाकर उन प्रकाशनों के पूर्तिकरण की बात जोहने वाली एक पीढ़ी को प्रभु इन दिनों में इस देश में खड़ा करना चाहता है एक जागृति आ रही है एक जागृति आ रही है चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए मेरे और आपके अंदर वो जागृति एक स्वप्न के समान हमेशा पड़ी रहनी चाहिए मरियम ने कहा मैं एक पुरुष को नहीं जानती लेकिन स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जनेगी मुझे सुनने वाले प्रियो स्वाभाविक रीति से शायद हमें लग रहा होगा कि अब जागृति कहां से आ सकती है लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और उसके द्वारा एक जागृति के माहौल के अंदर तू कदम रखने जा रहा है हमें उसके लिए तैयार होना है 2020 समाप्त हो रहा है 2021 आने वाला है विश्व समाचार माध्यम कई प्रकार की बातों को हमारे सम्म रख रहा है लेकिन हमें विचलित नहीं होना है हमें उनमें बहकना नहीं है उन सब के बीच में परमेश्वर की मधुर आवाज को हमें सुनना है प्रार्थना में वचन में प्रभु हमसे क्या कह रहा है यदि हम उसको सुनने के लिए उसको समझने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा एक नए स्तर के अंदर मुझे आपको लिए चलेगा अयमरिया को, को बंद करें हम मिलकर प्रार्थना करेंगे एक क्षण हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें शिमोन के समान हन्ना के समान इंतजार करना भी पड़े तो बिना थके प्रभु के भवन में बने रहने के लिए प्रभु ने जो कहा है वो निश्चय पूरा होगा उस यकीन के साथ में बने रहने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करने पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मैं हर हर एक एक के के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपके प्रेम की घोषणा हम करते हैं, आपकी शांति की घोषणा करते हैं प्रभु जी हर प्रकार की निराशा हर प्रकार का डर हर प्रकार का थकान हर एक जीवनों से जाने पाए आपकी आशा हर की जिंदगी में आप प्रदान कीजिए ताकि प्रभु इन दिनों में आपकी महिमा में सेवकाई के लिए प्रभु जी हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए जिस प्रकार से शमोन और हन्ना एक प्रोफेटिक मैंटल को कैरी करते थे पिता होने देने पाए इस सीजन में हम भी आपकी आवाज बन जाने पाए हम भी आपके प्रवक्ता बन जाने पाए पिता आपके सामर्थ्य हाथों में हरेक को हम सौंपते हर हरेक के जीवन पर आपके अनुग्रह की घोषणा करते हैं की में बनाए रखी दो हजार इक्कीस में आपकी महिमा में आश्रित होकर आप में निर्भर होते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हम सभी को मदद करना आपके हाथों में सौंपते प्रभु ईश्वर के नाम से मांगते